हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल VNKD स्टडी पोर्टल में आज हम इस वीडियो में एडवांस मैथ के अंतर्गत समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज इसका भाग दो हम लोग पढ़ेंगे, इसका भाग एक कल हम लोग पढ़े हैं। अगर आप लोग इसका भाग एक नहीं पढ़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम समांतर श्रेणी के बारे में सबसे पहले नियम को बता देते हैं। तो देखिए, अगर प्रश्न में ये पूछे किसी समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद ज्ञात करना, तो इसका नियम होता है अंत से एनवा पद। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद। यहाँ पर लिखिए, अंत से एनवा पद ज्ञात करना। अगर पूछ रहे अंत किसी समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद ज्ञात करना, तो इसका फार्मूला होता है इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए, ये फार्मूला है अगर पूछ ले एग्जाम में किसी समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद ज्ञात करना। देखिए, अंत से एनवा पद ज्ञात करने का यही फार्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर पूछे समांतर श्रेणी में एन पदों का योग ज्ञात करना, अगर ये भी पूछ ले समांतर श्रेणी में एन पदों का योगफल ज्ञात करना, तो इसका एक फार्मूला होता है SN इक्वल टू एन अपान टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए, अगर पूछ ले समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल ज्ञात करना, तो देखिए इसका फार्मूला होता है SN इक्वल टू एन अपान टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि माना ए तथा बी का समांतर माध्य ए हो, तो ये भी पूछ सकता है कि संख्या इतना तथा इतना का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए, तो इसका एक फार्मूला होता है समांतर माध्य का ए एम इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपन टू। देखिए, इस फार्मूले को आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आप जब एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है श्रेणी 68 प्लस 64 प्लस 60 प्लस डॉट डॉट का कौन सा पद माइनस 60 है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर लिखिए सॉल्व, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखिए सॉल्व, ठीक। देखिए, कह रहा है 68 प्लस 64 प्लस 60 प्लस डॉट डॉट का कौन सा पद माइनस 8 है। तो देखिए, कह रहा है कौन सा पद माइनस 8 है, यानी टी एन का मान दे दिया है। तो देखिए, यहाँ पर आप लिखिए टी एन इजकल टू माइनस 8, ठीक। समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, किसी श्रेणी का जो पहला पद होता है वही उसका प्रथम पद होता है। तो देखिए, पहला पद कौन सा है 68, तो देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा 68। और देखिए डी कैसे प्राप्त होगा, समांतर श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो मान प्राप्त होता है उसे सर्वांतर कहते हैं, यानी डी का मान। तो देखिए डी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जब 64 में से आप 68 को घटाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा वही डी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस 68, यानी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 4। देखिए, ए का मान, डी का मान और टी एन का मान हमको पता चल गया। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए, इसका फार्मूला होता है, अब इस फार्मूले पर अब इसका मान रख दीजिए। देखिए, टी एन बराबर कितना दिया है माइनस 8 हो जाएगा, इजकल टू ए का मान कितना दिया है 68 प्लस एन का मान ज्ञात करना है एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना हो जाएगा माइनस 4। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 इजकल टू 68 प्लस माइनस 4 का गुणा जब
एन में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस फोर एन। अब माइनस चार के गुणा जब माइनस एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस फोर। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस आठ इजकल टू अड़सठ प्लस फोर माइनस फोर एन। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं। माइनस आठ इजकल टू अड़सठ और चार कितना हो जाएगा बहत्तर, बहत्तर हो जाएगा ए, इसको लिख दीजिएगा माइनस फोर एन। ठीक, अब देखिए अब माइनस फोर एन को इधर कर दीजिए और माइनस आठ को इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा फोर एन इजकल टू बहत्तर प्लस, देखिए जब माइनस आठ इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस आठ हो जाएगा। देखिए फोर एन इजकल टू कितना हो जाएगा बहत्तर और आठ कितना हो जाएगा अस्सी, यानी एन इजकल टू बीस। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। एन का मान इसमें पूछा है तो एन का मान देखिए प्राप्त हो गया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है श्रेणी दो छः दस डॉट डॉट छियासी का अंत से बारहवां पद बताएं। तो देखिए हम आपको एक फार्मूला बताएं, अंत से एनवा पद अगर पूछे तो उसका फार्मूला होता है एन माइनस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए सॉल्व। अब देखिए इसमें प्रथम पद दे दिया है, प्रथम पद कितना दिया है ए इजकल टू दे दिया है दो। ठीक, और देखिए अंत से बारहवां पद यानी एल बराबर भी दे दिया है छियासी। ठीक, और एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर दे दिया है बारहवां पद, कह रहा है बारहवां पद यानी एन इजकल टू बारह। देखिए अब इसको फार्मूले पर रख दीजिए, अंत से बारहवां पद पूछ रहा है, अंत से बारहवां पद तो यहाँ पर लिख दीजिए अंत से बारहवां पद इजकल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल का मान कितना है, एल का मान है छियासी माइनस एन का मान कितना है बारह माइनस वन इंटू डी का मान कितना है। डी का मान देखिए कैसे प्राप्त होगा, जब समांतर श्रेणी में दूसरे पद में से पहले पद को जब घटाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो डी प्राप्त होगा। तो देखिए डी बराबर हो जाएगा जब छः में से दो को घटाएंगे, देखिए जब छः में से दो को घटाएंगे जो मान प्राप्त होगा वही डी होगा। इसको कितना लिख सकते हैं चार, देखिए डी का मान कितना है चार। देखिए अब आप इसे हल कीजिए आगे, देखिए ए हो जाएगा छियासी माइनस बारह में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ग्यारह गुणे चार। तो ये आगे देखिए कैसे होगा, छियासी माइनस ग्यारह चौक चौवालीस। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको घटाएगा कितना होगा, छियासी में से चौवालीस जाए कितना हो जाएगा दो बयालीस। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए के किस मान के लिए ए ए प्लस फोर थ्री ए समांतर श्रेणी में। तो देखिए इस तरह के भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो देखिए हम इसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे हल करना है। तो देखिए इसे आप प्रथम पद यानी ए मान लीजिएगा, ए प्लस फोर को बी मान लीजिएगा और थ्री ए को सी मान लीजिएगा। देखिए ए का मान ए है, बी का मान ए प्लस फोर है, सी का मान थ्री ए है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है टू बी इजकल टू ए प्लस सी। देखिए ये आपको याद कर लेना है, टू बी इजकल टू कितना होता है ए प्लस सी। अब ए बी और सी का मान अब इस फार्मूले पर रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा सॉल्व कीजिए इसको, दो गुड़े बी का मान कितना है ए प्लस सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ए, देखिए बी का मान है ए प्लस फोर तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस फोर इजकल टू ए का मान कितना है ए प्लस सी का मान कितना है थ्री ए। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा दो का गुणा जब ए में करेंगे तो कितना हो जाएगा टू ए प्लस आठ।
इक्वल टू 3a और a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4a। तो देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 इक्वल टू 4a माइनस 2a। देखिए 2a को इधर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू, जब 4a में से 2a को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2a यानी a इक्वल टू 4। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। देखिए आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है श्रेणी 5+8+11+14+... के 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, देख दीजिए यहाँ पर सॉल्व। तो देखिए इसमें ए का मान भी दे दिया है एज कल टू 5, ठीक, और डी का मान कितना हो जाएगा, जब 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा 3, डी का मान 3 हो जाएगा। और देखिए इसमें 22 पदों का योगफल पूछा है तो इसमें एन इज कल टू भी दे दिया है 22। देखिए इसमें एन का मान भी दे दिया और इसमें पूछ रहा है एन 22 पदों का योगफल, योगफल वाला फार्मूले को आप यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखिए एस एन इजकल टू एन अपन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इस फार्मूले पे आप इसका मान रख दीजिए तो n का मान कितना हो जाएगा 22 बटा 2 हो जाएगा और a का मान कितना है 5, तो 2 × 5 प्लस n का मान कितना है 22 माइनस 1 गुड़े d का मान कितना है 3। तो इसको सॉल्व कीजिए आगे, देखिए ये तो कट जाएगा 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2×5 10 और ये 22 में से एक जाएगा तो कितना होगा 21 और 21 के गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना होगा 21 × 3 63 प्लस 63 इजकल टू 11 × 10 + 63 कितना होगा 73। अब 11 के गुणा जब आप 73 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 803। देखिए यही ए सी एन का मान है यानी 22 पदों का योगफल का मान यही है यानी एस 22 इजकल टू 803। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है 32, 28, 24 के एन पदों का योग 120 है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कैसे हल करना है, तो देखिए सबसे पहले आप जो मान दिया उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए ए का मान कितना दिया है, ए इक्वल टू दिया है 32, डी का मान हो जाएगा 28 − 32 इक्वल टू −4। देखिए डी का मान हो जाएगा −4 और देखिए यहाँ पर ए सी एन का भी मान दे दिया है या सी एन इक्वल टू 120। देखिए एन का मान इसमें ज्ञात करना है, एन इक्वल टू नहीं मालूम है, एन का मान इसमें पूछ रहा है। तो देखिए आप सबसे पहले फार्मूले को लिख दीजिए एस एन इजकल टू एन अपन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसमें एन का मान ज्ञात करना है यानी एन का मान इसको ज्ञात करना है। एस एन का मान कितना दिया है 120 इजकल टू एन का मान कितना दिया है, देखिए एन का मान ज्ञात करना है एन अपन टू 2 × ए का मान कितना दिया है 32 प्लस एन का मान ज्ञात करना है तो एन माइनस 1 गुड़े डी का मान कितना है −4। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए 120 इक्वल टू एन अपन टू 32 दोनों कितना हो जाएगा 64 प्लस ये कितना हो जाएगा −4n, एक जब माइनस ए का गुणा जब −4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा +4। देखिए इसका त्रिया गुणा कर दीजिए 120 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू एन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 64 − 4n + 4 ठीक। इसको आगे सॉल्व कीजिए यहाँ पर हो जाएगा 240 इक्वल टू एन हो जाएगा,
64 और 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और माइनस 4n। देखिए यहाँ तक तो आपको उम्मीद है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, और इसको आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 240 इक्वल टू 68n माइनस 4n स्क्वायर। देखिए इसका सब में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 68n माइनस 4n स्क्वायर। और देखिए इसको इधर कर दीजिए, जब इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे प्लस है तो ये इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 68n इक्वल टू, देखिए माइनस 68n ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 240 इक्वल जीरो। अब देखिए अब चार से सब में भाग दे दीजिए, तो जब चार में से सब में अगर भाग दें कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 17 चौक 68, 17n माइनस एक कितना हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 60 इक्वल जीरो। अब देखिए आप लोग द्विघात समीकरण पढ़े हैं, अब इसे आप द्विघात समीकरण से अब इसे आप लोग आगे सॉल्व कीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 5n माइनस 60 इक्वल जीरो। देखिए माइनस 12n और माइनस 5n जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस 17n। अब 12 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पच्चे 60, देखिए इतना प्राप्त हो जा रहा है। और देखिए इसमें से आप लोग n कॉमन कर दीजिए, n जब कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा n माइनस 12, यानी से माइनस 5 कॉमन कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा n माइनस 12 इक्वल जीरो। अब देखिए इसको n माइनस 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल जीरो, यानी n इक्वल टू 12 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा n इक्वल टू 5, यानी n का मान कितना हो जाएगा 12 और 5। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, n का मान पूछा है तो देखिए n का मान दो मान प्राप्त हुआ 12 और 5। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 तथा सातवां पद 30 है, तो श्रेणी के 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के सवाल को आप लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखिए सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है, तो तीसरा पद 18 तो यहाँ पर हो जाएगा T3 इक्वल टू 18। तो देखिए T3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 18, इसको आप लोग समीकरण नंबर एक मान लीजिए। और कह रहा है तथा सातवां पद 30 है, तो सातवां पद तो यहाँ पर हो जाएगा T7 इक्वल टू 30, तो T7 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D इक्वल टू 30, ये हो जाएगा समीकरण नंबर दो। देखिए अब समीकरण एक में से दो को घटा दीजिए, यहाँ पर लिखिए समीकरण एक माइनस दो, समीकरण एक माइनस दो। अब देखिए समीकरण एक में से जब दो को आप लोग घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर हम घटाते हैं इसको, A प्लस 2D इक्वल टू 18, और यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 30। देखिए इसको घटा दीजिए, देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस 6D है और यहाँ पर प्लस 2D है, यहाँ पर कितना है माइनस 6D है और यहाँ पर 2D है, कितना हो जाएगा माइनस 4D इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस 30 है और यहाँ पर प्लस 18 है, तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 12। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी डी इक्वल टू, देखिए 4 से 12 कट जाएगा कितना हो जाएगा 3, यानी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये डी का मान प्राप्त हो गया, डी का मान कितना प्राप्त हुआ 3। अब देखिए इसके अब ए का मान अब आपको ज्ञात करना है, तो देखिए ए का मान कैसे ज्ञात होगा,
अब डी का मान जब प्राप्त हो गया तो ए का मान ज्ञात करने के लिए आप डी के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए, या समीकरण एक में या समीकरण दो में, किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिए डी का मान समीकरण, किसी एक समीकरण में रख दीजिए डी का मान, तो इसमें समीकरण एक में रखने पर तो देखिए समीकरण एक क्या a प्लस टू डी इजकल टू 18। तो देखिए a का मान ज्ञात करना है, a प्लस दो गुणे डी का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 इजकल टू 18। a बराबर कितना हो जाएगा, 18 माइनस दो तिया 6, यानी a इजकल टू 12। देखिए a का मान भी प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 पदों का योगफल। अब देखिए अब ये कैसे आगे कैसे सॉल्व होगा, इसको हम आगे भी सॉल्व करते हैं। देखिए डी का ए का मान हो जाएगा 12। अब पूछ रहा है 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए 20 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, तो देखिए कह रहा है 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर एसियन का मान ज्ञात करना है और एन का मान दे दिया है 20। तो इसको योगफल वाले फार्मूले पर आप इसको रख दीजिए। तो एसियन इजकल टू कितना होता है, एन अपन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए एन का मान कितना है, 20 बटा दो हो जाएगा, प्लस दो गुड़े ए का मान कितना प्राप्त हुआ, देखिए ए का मान कितना प्राप्त हुआ, 12। ए का मान 12 प्राप्त हुआ, तो 2 गुणे 12 प्लस एन का मान कितना है, 20 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना प्राप्त हुआ, देखिए डी का मान प्राप्त हुआ 3। ठीक, अब देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए। ये तो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 12 दूना 24। देखिए 20 में से जब आप ये घटाएं कितना हो जाएगा, 19 यहाँ कितना हो जाएगा, 57 प्लस 57। देखिए 10 गुड़े 24 और 57 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 81। देखिए अब 10 गुड़े जब 81 करें कितना हो जाएगा, 810। देखिए यही एसियन का मान है, एसियन इजकल टू 810। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।